नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी एमएस एक्सेल की फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, यानी कि उसके साइज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपनी एमएस एक्सेल फाइल को उसके साइज़ को कंप्रेस करना चाह रहे हैं और किसी को भेजना चाह रहे हैं, तो आप उसको आसानी से कैसे कंप्रेस करें, तो आज हम एक एक्सेल फाइल को कंप्रेस करना बताएंगे, जिसका हम आपको साइज़ बता देते हैं। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी पर जाकर इसका साइज़ है 26 KB, यानी 26 KB की ये फाइल है। हम इसको यहाँ पर एक वेबसाइट के माध्यम से कंप्रेस करेंगे, लेकिन वो वेबसाइट कितना कंप्रेस करके देगी ये हम आपको नहीं बता सकते। इसमें कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जहाँ पर आप अपनी मन चाहे कंप्रेस कर सकते। इसमें जो वेबसाइट आपको कंप्रेस करके देगी वही आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारी फाइल है 28 KB की। यहाँ पर हम एक वेबसाइट को ओपन करते हैं। वेबसाइट का नाम है योर कंप्रेश। पहली वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, आपको सिंपल से इस पर क्लिक कर देना। ये वेबसाइट ओपन होगी, फ्री है, आपको इसमें कोई चार्ज देना नहीं है। यहाँ पर आप एमएस वर्ड, एक्सेल, पीपीटी जैसी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। हम यहाँ पे एक्सेल फाइल के लिए आए, तो सिंपल सा सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर आप अपनी फाइल को चेक करें कि कौन सी फाइल को आप इंसर्ट कराना है। यहाँ से आप ओपन कर लें। तो हमारी ये प्रैक्टिस सीट फॉर यूट्यूब वाली, तो यहाँ पर इस पर क्लिक कर देते हैं और ओपन पर क्लिक कर देते हैं। देखिए फाइल का नेम यहाँ आ जाएगा। इसे सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पर अपलोड फाइल्स एंड कंप्रेस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए तुरंत ही कर देगा, ज़्यादा समय नहीं लेगा। तो कंप्लीट यहाँ पर देखिए 10% इसने रिड्यूस कर दिया। अब आपको दोस्तों लगता है कि 10% तो बहुत कम है, हमको और ज़्यादा कम रिड्यूस करनी है, तो आप इस फाइल को डाउनलोड करके फिर से आप अपलोड करें। अब दोस्तों यहाँ पर 10% ने यहाँ पर 30 KB की कर दी फाइल, हम इसको डाउनलोड कर लेते। देखिए सिंपल सा डाउनलोड पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ देखिए नीचे फाइल डाउनलोड हो जाएगी एंड आपको जाना है अपने कंप्यूटर लैपटॉप के डाउनलोड वाले सेक्शन पर। ठीक है, देखिए ये फाइल है, यहाँ पर आपको राइट बटन क्लिक करना है और देखना है प्रॉपर्टी पे जाके। देखिए यहाँ पर 3 KB को इन्हें रिड्यूस कर दिया, यानी 10% कर दिया। अब आप इसको ओपन करना चाहे तो आप सिंपल से ओपन कर सकते हैं, कोई इसमें इशू नहीं है, फाइल आसानी से ओपन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप रिड्यूस कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से और फाइल को ओपन कर सकते हैं, कोई नहीं। अगर आपके पास आपको लगता है कि मुझे फिर से इसको और कम करना है, तो आप फिर से यही फाइल को जो आपने डाउनलोड की है फिर से आप उसमें अपलोड करेंगे, तो फिर आपको और कम परसेंट हो जाएगा। अब इस वेबसाइट में कोई हम डिफाइन नहीं कर सकते, हमें इतनी KB तक चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो। दोस्तों, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय।